एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एज वेल एज के बारे में। दोस्तों, हालांकि काफी लोग जानते हैं एज वेल एज के बारे में, लेकिन कई जगह तो ये बहुत आसान है, बट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, जैसे SSC, UPSC, बैंक PO, इस तरह की जो तैयारी करते हैं गाइज, उनके कॉमन एरर्स में कुछ क्वेश्चंस एज वेल एज से भी आते हैं जो मुश्किल होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये एज वेल एज। गाइस, एज वेल एज का मतलब है साथ ही साथ। इट मींस कि अगर आप एक हाउसवाइफ है, मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ के साथ साथ आप एक टीचर भी हैं, तो आप कह सकती है कि आई एम अ हाउसवाइफ एज वेल एज अ टीचर। इट मींस कि एक व्यक्ति कि अगर दो पर्सनालिटीज को दिखाना है, उसके दो क्वालिटीज को दिखाना है, उस सूरत में हम एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है और स्ट्रक्चर कैसे होगा। फ्रेंड्स, गाइस, यहां एक सेंटेंस है कि मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ एक एक्टर भी हूं। इट मींस कि बात किसकी हो रही है, मेरी हो रही है, और मेरे दो क्वालिटीज की बात हो रही है कि मैं क्या हूं। मेरा फर्स्ट जो डेजिग्नेशन है वो एक अध्यापक है, और अध्यापक के साथ साथ मैं एक एक्टर भी हूं। यानी कि एक पर्सनालिटी दो काम कर रहा है, वो दो है, एक व्यक्ति दो रूप धारण करके बैठा है, उसकी दो क्वालिटीज है या दो तरीके का जॉब वो निभा रहा है, कहने का मतलब है। फ्रेंड्स, तो हम कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के साथ सूट करेगा, अगर आई है तो एम, यू है तो आर, या वी दे प्लूरल है तो आर, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, अगर वो पास्ट में होगा तो वाज वर्ब, वो आपको समझना होगा। अगर उसमें कोई मेन वर्ब है, यानी कि अगर टेंस के ऊपर है, तो कोई वर्ब भी लग सकता है। अगर वो जा रहा, खाता हूं, पीता हूं, अगर इस टेंस के अंदर आता है तो आपको वो मेन वर्ब भी दिखाना होगा। और ऑब्जेक्ट, अगर बिल्कुल कोई टेंस नहीं है, सिर्फ ऐसे ही साधारण है कि मैं एक टीचर हूं, तो आपने यहां से सब्जेक्ट उठाया, हेल्पिंग वर्ब, और सीधा ऑब्जेक्ट कर दिया कि आई एम अ टीचर। लेकिन अगर वो टेंस है कि मैं खाना पकाने के साथ साथ टीवी भी देख रहा हूं, अगर वो पूरा टेंस बेस्ड है, तो आपको इस मेन वर्ब का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टेंस आता है तो आप समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये करने के बाद आपको लगाना है एज वेल एज, यानी कि आपने एक सेंटेंस यहां पर बोला, और ये सेंटेंस बोलने के बाद एज वेल एज, उसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है या कोई अगला वर्ड है वो आप यहां पर लगाएंगे। मैं करके दिखाता हूं कैसे होगा। मैं एक अध्यापक के साथ साथ एक एक्टर भी हूं। तो सबसे पहले आप क्या है, एक अध्यापक है, तो आप लिखिए आई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम, तो आपने लिखा आई एम अ टीचर, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब था नहीं, तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाया है टीचर, आई एम अ टीचर। इसके बाद आपको लगाना है एज वेल एज, तो यहां लगाइए एज वेल एज, साथ ही साथ क्या है, एक एक्टर। तो सिर्फ ये वर्ड आप लिख दीजिए, जो अदर वर्ड्स मैंने बोला है ये आप यहां लिख दीजिए, एन एक्टर। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या हो गया, आई एम अ टीचर एज वेल एज एन एक्टर, यानी कि मैं टीचर के साथ ही साथ एक एक्टर भी हूं। So, एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगर ऐसा बोलना है कि तुम मेरे भाई के साथ ही साथ मेरे दोस्त भी हो, तो तुम यानी कि यू, तो हम बोलेंगे यू आर माय ब्रदर एज वेल एज माय फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे भाई के साथ साथ एक दोस्त भी हो। अगर मैं बोलूं कि वह हाउसवाइफ के साथ साथ एक अध्यापिका भी है, तो शी इज अ हाउसवाइफ एज वेल एज अ टीचर, आप मेरे दोस्त के साथ साथ मेरे दुश्मन भी हो। अगर ऐसा बोलना है, मजाक में भी बोलना है, तो बोल सकते हैं कि यू आर माय फ्रेंड एज वेल एज माय एनिमी। तो इस तरीके से आप एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये टेंस पर हम ले गए कि मैं टीवी देखने के साथ साथ खाना भी खा रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी
एज वेल एज ईटिंग फूड। आप गाने सुनने के साथ साथ कमरे की सफाई भी कर रहे हो, तो आप बोल सकते हैं यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स एज वेल एज क्लीनिंग द रूम। वह खाना पकाने के साथ साथ मोबाइल पे वीडियो भी देख रही है। शी इज कुकिंग फूड एज वेल एज वॉचिंग अ वीडियो ऑन मोबाइल। सो गाइज, ये है आपका एज वेल एज, जो बहुत ही साधारण तरीके से है। अब जो कॉम्पिटिशन लेवल वाला एज वेल एज है वो मैं आपको समझाता हूं फ्रेंड्स। यहां पर देखिए, राम एक सब्जेक्ट, साथ ही साथ मैं भी अंग्रेजी सीख रहा हूं। यहां पर क्या था कि एक व्यक्ति दो काम कर रहा है, यहां पर क्या है कि दो व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहां क्या था कि मैं ही हूं, एक अध्यापक भी हूं और एक एक्टर भी हूं। और इसमें क्या है कि अंग्रेजी सीख रहे हैं, लेकिन कितने लोग सीख रहे हैं? दो लोग सीख रहे हैं, राम और साथ ही साथ मैं। तो जब कॉम्पिटिशन में ये आता है फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लिखिए राम, इसके तुरंत बाद लगाइए एज वेल एज। तो आपने लिखा राम एज वेल एज मैं, यानी कि आई, तो यानी कि सब्जेक्ट नंबर वन, फिर आपने लगाया एज वेल एज, फिर सब्जेक्ट नंबर टू। अब कंफ्यूजन यहां होती है कि इसके बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या जो भी मेन वर्ब होगा वो किसको देखकर होगा, आई को देखकर एम होगा कि राम को देखकर इज होगा। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं, वो आई देखते हैं और यहां पर एम लगा देते हैं, या यहां जो भी उन्हें लास्ट में दिखाई देता है, अगर यहां ही है तो इज लगा देते हैं। लेकिन रूल ऐसा नहीं है। रूल कहता है कि आपको यहां जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है या जो भी मेन वर्ब लगाना है वो इसको देखकर लगाना है, सब्जेक्ट नंबर वन को देखकर लगाना है। ये सिंगुलर है तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब लगाइए। ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल मेन वर्ब लगाइए। सो गाइस, राम एज वेल एज आई सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपको इज लगाना है क्योंकि राम के साथ इज, राम एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। अब अगर कोई अंग्रेजी में ऐसे बोलेगा तो बहुत अजीब सा लगेगा, ये क्या है यार, आई के साथ तो यहां पर इज दिखाई दे रहा है, बट यही सत्य है फ्रेंड्स। तो जो कॉमन एरर आता है उसमें आई के साथ यहां एम लगाएंगे, वो बोले उसमें लिखा रहेगा राम एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश, और सबको सही लगेगा, करेक्ट तो है। बट यहीं पर कंफ्यूजन है कि एज वेल एज अगर दो सब्जेक्ट के बीच में आ जाए तो आपको सब्जेक्ट नंबर वन को देखते हुए यहां का हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता कि राम साथ ही साथ मैं रोज बाजार जाते हैं, तो राम साथ ही साथ मैं रोज बाजार जाते हैं, तो अब कैसे बोलेंगे, राम एज वेल एज आई, अब आई तो बोल दिया, अब जाते हैं कि अंग्रेजी गो होती है, अब गो बोले या गोज बोले, तो यहां पर आपको राम को देखकर बोलना है, तो राम एज वेल एज आई goes to market daily। अगर आपने बोला राम as well as I go to market daily, ये गलत हो गया। ये go एक main verb है, और main verb हो या helping verb हो वो subject number one को देख करके decide होगा कि क्या लगाना है। ये था competition level वालों के लिए जो error आता है, और वैसे लोग इस पर ज्यादातर बोलते हैं। तो यहां आसान है कि एक personality दो activities को perform कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि दो लोग एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर। सो गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।